मन टूट सा गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनसे एहसास होता है कि महिला कितनी पावरफुल होती है। इनकी भी लाइफ है, इनको भी जीने दो यार। यार पता है हमें जो वीगन चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ। इन लोगों ने बताया फ्रेंच टोस्ट जो मैं खाता था ना इतने चाव से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दो, अटेंडेंस लगा दो। कौन कौन यहाँ पे आ चुका है? सारे कपड़े बाहर है, मेरे भी बाहर है। बस नहा के हमें निकलना है बैंकॉक के लिए। बैंकॉक कह रहा हूँ, सॉरी, पटाया और बैंकॉक के बीच में वो जगह। ये कल जो थोड़ी सी शॉपिंग की थी वो सब सामान है यहाँ पे। मैंने अभी शूज निकाले जो कल मैंने खरीदे थे, और मैंने अभी रियलाइज करा बिना फीते के दे दिए। ये तुमने कौन से शूज खरीदे? नाइकी के? ये हाँ, बहुत अच्छे नहीं तू बिना फीते लगा दे इसमें प्लीज यार। आते हैं तेरे को लगाने? हाँ, साइड साइड क्रॉस करके लगाते हैं ना। लगा दे यार, अब मुझे भी सिखा दे। एक का तू लगा, एक का मैं, ताकि अगली बार मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ। तो मैं रेडी हो गया हूँ, नीतू भी रेडी हो गई है। देखते हैं पूनम दीदी और दीदी के रूम में क्या हो रहा है। शायद यही वाला रूम है इनका। अरे मैं हूँ, मुझे मैं रूम गैस कर रहा था। खोलो। हाँ? अरे खोलो क्या? हाँ क्या होता है? गेट नहीं खुल रहा तुम लोगों से? चल जल्दी, नीचे वो ड्राइवर आ गया। ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ वो भी तो करना है ब्रेकफास्ट। तो जब मैंने पहले कहा था टाइम से उठो तो कैसा है ब्रेकफास्ट भाई? यहाँ ठीक ठाक है, इतना भी खास नहीं। पेट नहीं भरा क्या? मतलब जबरदस्ती भरा। क्या खाया रोहित? कैसा? अच्छा नहीं है? सिर्फ फ्रूट्स है? हाँ, कोई नहीं फ्रूट्स फ्रूट्स एंड ब्रेड्स खाया जो है खा लो। आ जाओ, चलो चलो भाई। ब्रेड्स के अलावा हम कुछ नहीं खा सकते, स्पेशली मैं तो कुछ नहीं खा सकती बिकॉज मैं अंडा भी नहीं खाती हूँ, मैं नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ। अच्छा, अंडा नॉनवेज? अंडा नॉनवेज में काउंट होता है ना लक्सो? हाँ। रोहित क्या खाना है तुमने? क्या क्या खाया? मैंने यहाँ पर है ना अभी हमारे सब्सक्राइबर में से किसी ने बताया कि पैनकेक में भी एग होता है, तो मैं जो वो बनाती हूँ ना, क्या था पैनकेक के साथ वो दूसरे वाले होटल में? ब्रेड था कुछ, बटर बटर फ्रेंच टोस्ट, उसमें मैं अंडा नहीं डालती, अगर मैं घर पर बनाती हूँ तो। यहाँ पर हो सकता है तो भैया नहीं खाऊंगी, उस टाइम भी मैंने नहीं खाया। एक बाइट लिया था, बहुत ही गंदा लगा था भाई। इन लोगों ने बताया फ्रेंच टोस्ट जो मैं खाता था ना इतने चाव से, उसमें अंडा होता है। वो पता नहीं था, तब से नहीं खाऊंगा फ्रेंच टोस्ट में। यार हमारे सब्सक्राइबर्स कितने अच्छे हैं ना, सब बता देते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। भगवान जी हमारा आज का दिन स्पॉइल मत करना भाई। यहाँ तो बारिश पड़ रही है बहुत तेज, हम इसमें जाएंगे। बैठो बैठो, ये लोग भी आ गए, बस आ जाओ। नहीं तो बारिश पड़ रही है बहुत तेज़ यार, हमारा आज का दिन ख़राब ना हो जाए। हमारा आज प्लान है पटाया घूमने का, बट अगर बारिश पड़ती रही तो पता नहीं हम क्या ही कर पाएंगे। क्या हो गया भाई, सीट ऊपर नहीं हो रही? मतलब ये बीच में अटक गए ना इसके। आगे करो कैसे करेंगे? पर ये आगे करनी पड़ी भाई, ये आगे नहीं होती है तो देख, ये तो वो है फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है गाइस, एक लोचा है, अगर बारिश पड़ती रही तो पटाया तो हम नहीं घूम पाएंगे। फिर हमारे कैब वाले भी उन्होंने सजेस्ट करा है कि वही टाइगर पार्क जहाँ पहले गए थे वहाँ पर जाएँ, बट यार वहाँ जाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं है। रीज़न आपको पता है, क्योंकि हमें लास्ट टाइम जाके पता चला कि वो टाइगर्स को ना वहाँ नशे वशे की दवाई ववाई दे के रखते हैं, ऐसा कमेंट्स में आप लोगों ने बताया। मुझे तो खैर नहीं पता, गलत भी हो सकता हूँ मैं, बट वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा। बट फिर भी आज अगर मौका लगा तो एक बार जाके पूछूंगा जरूर कि यार आप लोग ऐसा करते हो क्या, ये तो क्रूएल है एकदम। अब ढाई घंटे का हमारा सफर, सब देखो सब अपने अपने एंटरटेनमेंट में लग गए, हम सब सुन रहे थे। और क्या है इंसान यार, इसके साथ बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। ओहो, तुषार ने कैमरा लगाया हुआ था, कैमरा गिर गया। गाइस रोहित सो रहा है बट जेब में हाथ डाल के रख रहा है। भाई ने चश्मा पहना हुआ है सोते टाइम और जेब में हाथ डाल के सो रहा है। जेब में हाथ डाल के सो रहा है रोहित, उसके पैसे ना कोई चुरा ले इसलिए। अंकल जी ने हमें बीच रास्ते में कहीं रोक दिया है, हम में से किसी ने नहीं बोला था, शायद अंकल जी को वॉशरूम लग रही है इसलिए रोक दिया हमें, वरना तो कहते कहते थक जाते हम लोग। हाय भाऊ, कैसी नींद आई? नेक में पेन होने लगा। बैक में पेन हो गया? तेरी पॉकेट में से पैसे निकाल दिए नीतू ने, पता भी नहीं चला तेरे को। भाई सोता है कम से कम पॉकेट में हाथ वाथ रख के सोया कर। तुम्हें याद है तुम्हारे पॉकेट में हाथ था? 1,00,000 रुपए थे मेरे पास। गाइस बारिश के चलते आज जो भी हम वाटर एक्टिविटीज करना चाह रहे थे वो तो नहीं होगी, सब बंद कर दिया है। ए भाई रुक जा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी अंकल जी ने हमें सजेस्ट किया है, दो ऑप्शन अपने पास, या तो जू में जाओ या फिर एक वो टाइगर पार्क जो बताया था वहाँ पे जाओ। जू में यार हिम्मत नहीं है जाने की, अभी टाइगर पार्क ही चलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं दोबारा से। नीतू तूने क्यों पहना टाइगर जैसा? वैसे नहीं टाइगर नहीं तो उसका चीता जैसा है, ठंड लग रही थी इसलिए, मुझे पता नहीं था हम उधर जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं, इसका नंबर ले ले, तुषार गाड़ी का नंबर नोट कर ले एक बार, ले भी लेन का। तो अंदर आने के बाद अपने को यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा
और फिर एंट्री हमारी वहाँ से होने वाली है। इसमें वेटिंग एरिया होता है क्योंकि नंबर वाइज लेके जाते हैं अंदर सबको। वहाँ पर एक टाइगर बैठा यहीं से दिख रहा है अपने को। यहाँ पे पिज्जा भी मिलता है और साथ में एक नोटिस है, वो है ये, आप ध्यान से पढ़ो। इसमें लिख रहा है नो फ्लैश प्लीज। यहाँ पर कैमरा अलाउ है, फ्लैश अलाउ नहीं, क्योंकि फ्लैश कई बार क्या होता है ट्रिगर करती थी टाइगर को, उसको फ्लैश दिखती है ना एकदम से, तो उनके जो इंस्टेंट्स हैं वो दिखाते हैं कि शायद कुछ हमला होने वाला है, तो इस वजह से वो अग्रेसिव हो जाते हैं। फ्लैश बनाया आते ही आप लोगों के लोग फोटोज क्लिक कर देते हैं काफ़ी सारी, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। फिर आपको सेल करते हैं यही फ़ोटोज़। तो जब हम भी आ रहे थे ये लोग वहाँ से फ़ोटो लिए जा रहे थे अपने आप, तो अब हमारी फ़ोटो डिस्प्ले में लगा देंगे। जब हम पूरा टूर करके आएंगे तो ये फ़ोटोज़ हमें बेचने की कोशिश करेंगे। ओ वाओ, रियल टाइगर है यार ये। दीदी को देखते हैं डर लगेगा या नहीं। बैन डर लगेगा तेरे को, नहीं लगेगा टाइगर से? अच्छा, यहाँ पे सब साइज़ के टाइगर हैं। एक बिल्कुल अडल्ट जो बहुत बड़े हो जाते हैं साइज़ में, बेबी टाइगर भी हैं यहाँ पर, बट अभी बिल्कुल छोटा साइज़ तो इनके पास नहीं है। तो यहाँ पे पर्चे लेके आधी फाड़ देते हैं ताकि लोग उसको रीयूज़ ना कर ले। प्लीज स्टे विद योर ग्रुप, फॉलो स्टाफ, डोंट वॉक अलोन। योर फोन, पिक्चर, वीडियो विदाउट फ्लैश, वी नॉट अलाउ कॉलिंग वीडियो कॉल इनसाइड। कॉल वीडियो कॉल नहीं, फ्लैश नहीं, ओके। शायद अपना सामान यहीं पर रखवा देंगे। बैग हियर, यस, कीप योर फोन। बैग रख दो यहाँ पे। तो ये जो तार है ये इलेक्ट्रिक तार है, इसमें पूरे में करंट है। देखो आवाज़ भी आ रही है करंट की, चट 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 चट। मना मना, ओहो मराम मामा जी। और ये बिजली के तार है जिन पे तू जा रही है, पागल, करंट लग जाएगा। जा उधर जा, वो बुला रहे हैं पीछे। जा दीदी उधर चली जा पीछे। ये कितने चांसेस हो रहा है यार, यहाँ पूछ ही लिए भी इसकी। हेलो हेलो, देखा? हेलो गाइस, सॉरी टू से, और मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मतलब सुबह से शाम तक टाइगर शो चलता है यहाँ पे, आप लोग देखना टाइगर को बिठा रखा है, और हम जैसे टूरिस्ट जो आते हैं ना टाइगर साहब फ़ोटो खिंचवा के बहुत खुद को टाइगर समझने लगते हैं खुद ही। सोचो उसको एक मिनट बैठने नहीं दे रहा है बंदा, उसके मुँह पर झाड़ियाँ मारे जा रहा है, क्या क्या करे जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि लोग अभी हमारा टर्न है, 10 मिनट हम फोटो सेशन कराएंगे फिर हम चले जाएंगे, इतनी भीड़ बाहर वेट करिए फिर वो यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब इनकी कोई लाइफ नहीं है, इसका मतलब है ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ बेचारे एक टूल बन के रह गए हैं कि हमारे सोशल मीडिया के लिए काम आ जाएंगे या फिर हम इनको घर पे एक बड़ी बड़ी फोटो लगा के रख लेंगे। ये बिल्कुल फेयर नहीं है यार, आई एम सॉरी कि मैं इस जगह आया, मेरी बहुत बड़ी गलती है, बट आप लोग प्लीज़ मत आना यार, ये मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। आप सोचो इनको केजेस में रख रखा है भाई, इतने बड़े बड़े टाइगर्स को ही देखो, ये इधर केजेस में क्या लाइफ है इनकी यार। ये दो उधर है, दो इधर लेटे हुए हैं, देखो इसको बेचारे को बैठने नहीं दे रहे यार, देखो। और अगर ये गलती से अटैक कर दे तो इसको गोली मार दी जाएगी। इनको शायद बताते हैं ड्रग्स देकर इनको ऐसे रखते हैं ताकि ये लोग अग्रेसिव ना हो जाएं, बट यार ये बहुत गंदा तरीका है, बहुत गंदा तरीका। मुझे बहुत शर्म आ रही है खुद पर कि मैं यहाँ पर आया हूँ, इस चीज़ का पार्ट बनाऊँ, बट आप लोग अगर आपका ऑप्शन है मत आना यार। सच्ची बारिश के अगली बार टॉर्नेडो भी आ गया ना, और थाईलैंड में हूँ मैं, यहाँ नहीं आने वाला भाई बिल्कुल। अब आप देखते रहना, वो बेचारा बैठा है और ये कुछ नए टूरिस्ट आए हैं, ये देखो बिठा दिया उसको। अरे इससे अच्छा एक गुड्डा ले आओ ना यार टाइगर जैसा, भाई फोटो ही कराने, तो फोटो में क्या पता चल रहा है असली नकली, क्यों उस बेचारे की जिंदगी झंड कर रखी है यार। अब फोटो सेशन होंगे सबके, आप इसको देखना ये बेचारा कितना बेचैन है, बहुत देर से यहाँ घूमे जा रहा है, बस यहाँ से यहाँ देखते रहना इसको। ये इनकी लाइफ है, हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों की वजह से, बस ये देखो। आई एम सॉरी भाई, देखो अपने को कितना टाइम हो गया है, वो बेचारा बस इधर से उधर देखे जा रहा है यार, घूमे जा रहा है बेचैन होके, क्या लाइफ कर दी इनकी, है ना, हम जैसे जो गधे टूरिस्ट आते हैं ना उनकी वजह से, क्या गुनाह है इसका यार। ये सेम वही बात हो गई कि अगर आपको आपको फूलों से प्यार है ना, तो आप फूल उगाते हो, उनको तोड़ते नहीं हो। आपको टाइगर से प्यार है, आपको वाइल्ड लाइफ से प्यार है, आपको जानवरों से प्यार है, यू सेट देम फ्री, जहाँ वो बिलोंग करते हैं, जंगल जो उनकी जगह है, उनका घर। ये तरीका नहीं है यार भाई, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। ये देखना है उसकी पूंछ उठा उठा के, पता नहीं क्या देख रहा है भाई, मन टूट सा गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और जितने पैसे यहाँ का टिकट लेने में बर्बाद करें ना, उतने पैसे मंदिर में ज़रूर चढ़ाऊंगा जाके प्रायश्चित करने के लिए, और भगवान से प्रे करूंगा कि ये चीज़ें सब बंद हो। मतलब ऐसा लग रहा था गुच्ची और ब्राउनी को ना ऐसे कैद कर रखा, मतलब बहुत ही सही नहीं है यार, इनकी भी अपनी लाइफ है, इनको भी जीने दो। हम ऐसे बाहर निकल रहे हैं, सच बताऊँ तो बहुत दिल दुख रहा है, देखो हम भी पहले ऐसे करते थे, बट बात सिर्फ इतनी है कि आई नो इनका ये पैसे कमाने का जरिया है, लेकिन यार
मैं तो यही बोलूँगी इनकी भी लाइफ है, इनको भी जीने दो यार, थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब मेरे को ना ऐसे कोई भी जानवर अगर मैं कुछ भी देखती हूँ तो मुझे गुची और ब्राउनी की बहुत याद आती है। और अभी मुझे, मैं यहाँ से निकलने के बाद उनको वीडियो कॉल करूँगी क्योंकि अंदर वीडियो कॉल करना अलाउड नहीं है। लेट्स गो गाइस। गाइस मैंने यहाँ पर रोहित, वो पुनीत और सैंडी नहीं है, रोहित तीसरा पकड़ा। चलो चलो चलो, तुम लोग कहीं खाने के लिए रुके बीच में, चलो। और ये वही जगह जहाँ हम जाते हुए भी रुके थे, बट उस टाइम कुछ नहीं खाया था बिकॉज़ लेकिन को तो हमने वॉशरूम भेज दिया, लेकिन यहाँ पर बर्गर किंग है और यहाँ का वीगन बर्गर बहुत टेस्टी होता है। दीदी ने तो लास्ट टाइम खाया था, उन्होंने दीदी तुझे खाना है वीगन बर्गर, वो वीगन नहीं था ना, उसको वीगन खिलाएंगे आज, वो वेज ही था, अजीब सा वेज ही, बट यार वीगन में खाया तुम्हें कैसा लगा था रात में? भूख लग रही थी ना, अच्छा लगा तो यार। पता है हमें जो वीगन चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और ये वीगन समझ नहीं पा रहे, उसका नाम कुछ और है, तो मैं प्लांट बेस्ड समझ गई। रास्ता रोक दिया अपन, मैं रास्ता रोक दिया। नमस्ते, मुझे आपका बर्गर पसंद नहीं है लेकिन जब भूख लगती तो खा लेती हूँ। अब हमें कुछ खाने को मिल नहीं रहा है इस स्ट्रीट पर, तो हम दूसरी स्ट्रीट पर चल रहे हैं। चलो लेट्स गो गाइस। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है यार, मेरे तो इंडिया में क्रेज करा है मैंने यहाँ के खाने के लिए। सोचो फ्रेंड्स, यहाँ पे आके मैंने देखा इन लोगों ने तो अपने लिए ऑर्डर करे, ये क्या है, मैंगो लस्सी वगैरह। मैंने ऑर्डर की थी यहाँ की थाई टी, कोल्ड टी, और भाई सच्ची बता रहा हूँ अगर ये इंडिया में मिल जाए मैं डेली पीऊँ उसको। मैंने चाय की पत्ती का स्वाद आ रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है चाय को ठंडा किया हुआ है। बहुत बेस्ट टेस्ट है भाई इसका, जरूर पीना। थाई टी नाम से मिल रही है और मीठी भी है, मज़ेदार। तो यहाँ पर आ गई है वेजिटेबल बिरयानी, फुल ऑफ वेजिटेबल्स। तो अब हमारी सवारी सीधा पटाया जाके रुक, पटाया कह रहा हूँ, बैंकॉक जाके रुकेगी अब। चलो भाई पुल चढ़ना है दोबारा से। खाना कैसा था यहाँ का, सही बताइयो खाना कैसा था? तो गाइज हमारे कैब वाले भैया पता नहीं कहाँ चले गए, हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं अभी यहाँ के। वैसे खाना खाने गए होंगे वो भी यार बेचारे, हमने भी सोचा था कि अंकल को कुछ टिप देंगे कि आप कुछ खाना खा लो, ऑलरेडी चले गए वो, बट जब वो आ जाएंगे तो उनको टिप दे देंगे। ये मार्केट जैसा लग रहा है एकदम, और यहाँ पर ये जैसे हमारे इंडिया में स्ट्रीट फूड वगैरह मिलते हैं ना, यहाँ वैसा भी है। देखो आप जिसको अपना वैसा खाना, देसी खाना मतलब थाईलैंड का देसी खाना, वो यहाँ खा सकता है। और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ मिलती है ना गज्जक, बट ये नॉन वेज है यार, जहाँ तक मेरे को पता है टेक्स्चर से लग रहा है नॉन वेज। क्या कह रहा है गुलदाना? अबे गुलदाना नहीं है, कुछ और है भाई, ये नॉन वेज में ही होगा जो भी है यहाँ पे। कोई एक सामान ले ले नितिन से यार, इतनी देर यहाँ भटके हम। यार यहाँ पे वो नहीं मिल रही ना जो वनीला केक हमने पहले दिन खाए थे? नहीं। तो कान साफ करती होती हर जगह आके, कुछ नहीं हो रही है। अच्छा कितने का ये? 80। आप लोग बताना आप में से कितने ने वो देखा था पहले, एक विकरालो घबराल करके आता था, पहले विकरालो घबराल आता था, उनको भूत दिखता था, चश्मा था रेड कलर का, लगाने से उन्हें अदृश्य चीजें दिखने लगती थी, और जब वो कोई केस सॉल्व करते थे तो गबरू उनको वो निकाल के देता था सोने का सिक्का। तो इसको देख के मुझे बचपन की वो चीज़ें याद आ जाती है। गाइस बैम्बू के अंदर कुछ रखा है और ये राइस जैसा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है नॉन वेज है। ये पत्तों के अंदर भी कुछ रखा है, ऐसे हमने डोरेमोन वगैरह में देखे हैं बहुत खाते हुए लोग। तो हम लोग वापस आ गए, वैसे अंकल के बनते हैं 4,000 baht, हम अंकल को देंगे 4,500 baht, क्योंकि अंकल ने रास्ता घुमा दिया था, थोड़ा एक्स्ट्रा भी चलना पड़ गया, अंकल का नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी आते में ना मैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम जो है मैं वो सुन रहा था, और जितनी भी लेडीज़ है ना खासतौर से, आपको कभी पावरलेस फील हो रहा आप इस स्तोत्रम को सुनना एक बार, और आपको रियलाइज़ होगा कि आपके आसपास एक पावर है, क्योंकि जितनी भी शक्तिपीठ है जितनी भी शक्तिशाली माता है उनसे एहसास होता है कि महिला कितनी पावरफुल होती है। आप एक बार ज़रूर सुनना अगर आपको मौका मिले यूट्यूब पर या जहाँ भी अवेलेबल हो, और आपको रियलाइज़ होगा कि आप आपके अराउंड जो ऑरा बन रहा हो कितना पॉजिटिव है, चाहे तारा माँ हो चाहे महिषासुर मर्दिनी का पाठ हो, एक बार पढ़ के ज़रूर देखना। ये अंकल फोटो क्यों ले रहे बार बार? अच्छा इनको हाँ रिकॉर्ड्स में दिखाने होते होंगे ना। मैंने कहा यार ये सब तो सही है, तुम लोग इतने बड़े सेलिब्रिटी कैसे बन गए यार? हाँ मेरा लेते तो बात भी थी, क्यों ऑब्सेस्ड क्या हूँ मैं? हम आ गए घर पर, ये घर है हमारा। अच्छा ये मैंने कर दिया, कोई काम बेकार होता तो कैसे मेरे पर ऊपर नाम आ जाता है ना। बर्गर ये दीदी ने ला के रखा था कल रात, मुझे भूख लग रही थी तो चलो जल्दी से चेंज कर ले। मॉल तू चलेगी नहीं? चल रही है कर ले। गाइस थैंक यू सो मच, पहले दिन मेरे ट्रिप पर सर में दर्द हुआ, आपने बोला डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा, पानी ज़्यादा नहीं पी रहा। ऐसा पानी पीने शक्ति तो आती है लेकिन साथ में टॉयलेट भी आती है, तो इसलिए ट्रैवल पे मैं बहुत कम पानी पीता हूँ, अवॉइड करता हूँ। बट अभी तो ट्रैवल नहीं कर रहे, अभी तो हम इधर उधर घूमेंगे तो भाई टॉयलेट कहीं भी जा ही सकते, तो मैं पूरा पूरा पानी की एक बोतल पी जाऊँगा। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी से पानी गिलास लो, आप भी पी लो गिलास यार, आप भी भूलते हो तो आप, मैं आपको व्लॉग में रिमाइंड कर रहा हूँ, जल्दी पी लो आप भी। व्लॉग
पॉज करके जाना अगर जाओ तो, ठीक है? तो हम जा रहे हैं, थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत अच्छी सी जगह पता चली अपने को, जो कि लोगों ने बताया, एक कुछ मार्केट है जो रात में ही खुलते हैं, वो वाले मार्केट देखने, और एक एलवी वाला कैफ़े। अगर हम लकी हुए तो हम आज वहाँ जा पाएंगे, वरना तो अगले ट्रिप पर जा पाएंगे फिर, क्योंकि कल हम यहाँ से चले जाएंगे फुकेट। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं एक्सप्लोर करने कुछ, और यहाँ पे एक चीज़ देखना भाई, पिक्चर नहीं रुकनी चाहिए। ये चीज़ मैंने यहाँ सभी में देखा, हर किसी को मूवी का इतना शौक है कि भाई चलाते हुए भी देख रहे हैं। गाइस एक और जरूरी सूचना, जो कि अगर आप कभी भी इंडिया से बाहर ट्रेवल कर रहे हो तो हमेशा याद रखना, हम लोग कल से मार्केट आ रहे हैं, कोई हमसे 300 बाट ले रहा है, कोई हमसे 400 बाट ले रहा है। अभी हमने टैक्सी की तो उसने पहले हमसे, नीतू वाली टैक्सी ने 200 बाट मांगे, दूसरी टैक्सी जो हम आए करके उसने हमसे 300 मांगे, हमने छोड़ दिया। फिर एक तीसरी टैक्सी हमें मिली, वो हमें मीटर से लेकर आया है, तो हमें कहा तो 400 के मुकाबले 200 बाट एकदम आधा लगा था जो हम कल तक पे कर रहे थे, बट हम मीटर लगा के आए तो यहाँ पे 97 बाट में पहुँच गए हम लोग। तो ये एक लेसन है हम सबके लिए, लर्निंग भी है कि कहीं भी जा रहे हो तो मीटर जरूर ऑन करा लो, क्योंकि टैक्सी वाले तो कुछ भी रेट बोल देते हैं, और मीटर लगाने के बाद मैप भी लगा दो, क्योंकि हो सकता है मीटर लगाया हुआ तो लॉन्ग रूट से ना ले जाए। तो ये दोनों काम हमने करे, हमारे लिए फायदेमंद रहे, आप लोग भी जरूर करना जब भी बाहर जा रहे हो। वैसे एक बार ये जगह देखो, ओए होए होए भाई कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ का। हम यहाँ जाने वाले हैं, यहाँ बहुत सस्ता मार्केट लगता है। सस्ता मतलब बहुत सारी चीजें मिल जाएगी और बहुत ज्यादा सस्ते रेट पे, तो हम अभी अंदर जाके देखेंगे क्या क्या है ऐसा यहाँ। गाइस देखो कुछ तो वाइब है यार यहाँ की, थाईलैंड की ना। आप एक चीज देखना बस, ये मॉल है और इसके बाहर, मतलब हमारे यहाँ भी मॉल के बाहर ऐसे बहुत सारे स्ट्रीट टाइप के वेंडर्स आ जाते हैं, बट यहाँ देखो, यहाँ मोस्टली जनता इधर ही बैठ के खा रही है, और इधर इनका थाई स्ट्रीट फूड है, आप इधर देखना, और बहुत सारी चीजें हैं। ये तो कुछ नया देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। हाय हाउ आर यू यार, ये छेड़ती है यार देखो इधर 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 आप देखो, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की यार। तो मैं यहाँ के एप्पल स्टोर में आया था इस उम्मीद में कि शायद विजन प्रो यहाँ पे दिख जाए, बट यहाँ भी विजन प्रो नहीं है, ओनली इन अमेरिका। गाइस हम आए एलवी की कॉफी पीने के लिए, लुई विटों की कॉफी। ओह माय गॉड, क्यों सपने में नहीं सोचा था। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से एलवी कैफे, जिसके बारे में आपको मैंने सुबह बताया था, वो 8 बजे बंद हो जाएगा, 7:30 बज चुके हैं, और आई गेस 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, तो हम पहले वहीं चलते हैं। ये सारी एक्टिविटीज तो रात भर होती रहेंगी, बट वो बंद हो गया तो फिर यार एक चांस मिस हो जाएगा, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला। मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ हमारी कंजी बहन का, वो मॉल के अंदर चली गई थी। नीतू वगैरह सब पहुँच चुके हैं पैदल पैदल, वो खो भी जाएगी, और उसको लिया नहीं मैंने तो। पीआई अलग ही दिख जाती है पोकेमोन सी। उन लोगों को मैंने भेज दिया, क्योंकि वहाँ लाइन में लगना पड़ता है ना नंबर लगाने के लिए। चल तेरे वेट कर रहा था मैं। 30 ये लोग लास्ट ऑर्डर लेते हैं, लास्ट कस्टमर लेते हैं, और हम लोगों को टाइम हो गया 7:40, 10 मिनट्स भी इन लोगों ने हमारा वेट नहीं किया और क्लोज कर दिया। इट्स ओके, हमारे लाइफ में एलवी की कॉफी पीना नहीं देखा था। मैं तो कॉफी वैसे नहीं पीती, मैं एलवी का पानी पी लेती, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, दुख के साथ जाना पड़ रहा है। गाइस बैड लक हमारा, मैंने जस्ट अभी नीतू कॉल करके पूछा और अब वो एंट्री नहीं ले रहे हैं। क्या हुआ, नहीं मिली एंट्री? एंट्री नहीं मिली ना, अब क्या करें? यहाँ एक नाइट मार्केट है, वहाँ चले। तो हमारा रथ चल पड़ा है अब, और हम लोग जाएंगे जॉट फेयर्स, जो कि पास में ही है, 3 किलोमीटर दूर है वैसे यहाँ से। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि रात के लिए बहुत अच्छा है नाइट मार्केट, अगर आप लोग बैंकॉक आते हो आप भी एक्सप्लोर करना, पहले मेरी वीडियो में देख लेना है कैसा, अच्छा नहीं हुआ तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। यहाँ तो अपने को धोखा मिल गया, ये एलवी के स्टोर पर बंद था, ये धोखा क्या मिलेगा, हम ही लेट थे भाई। तो आ गए हम लोग जॉर्ज, क्या था, फेयर, हाँ यही है, ये तो मेला है भाई, थाईलैंड का मेला है ये। मार्केट ये तो नुमाइश जैसी लग रही है ना, तुम आओ तुम। हाँ क्या, हमारे बुलेट से नुमाइश नहीं लगती ऐसी? तो भाई जैसा मैंने आपको बताया था ना, बहुत चीप मार्केट है ना, चीप मतलब क्वालिटी वाइज नहीं, पैसे वाइज। ये कितने का नहीं, 100 बाट का, 100 बाट का मतलब हो गया करीब करीब 230 रुपए का, मतलब 230 रुपए में टॉप, मेरे ख्याल से कोई बुरी चीज नहीं है। दीदी तो हर बार शॉपिंग यहीं से करके ले जाती है। ये क्या बनियान, ये अच्छा लग रहा है, ये लो ले ले। तो यहाँ पे आम पापड़ मिल रहे हैं, सॉफ्ट ड्राइड मैंगो, इंग्लिश नाम रख के, नहीं सच में ही तो सॉफ्ट ड्राइड मैंगो नहीं है ये, अजीब सा गुठली लग रही है यार ये छूने में। इसी स्टॉल का नाम है रोटी, और यहाँ पे केले की रोटियां बना रहे हैं, मतलब एग के साथ मिलके, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ के, लग रहा है तो मैं ज्यादा नॉर्मल हूँ या फिर ये लोग ज्यादा क्रेजी है, हर चीज अलग ही अवतार में यहाँ पे। दिस इज स्वीट, स्वीट है, ले 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 ले, आम ही तो यार मैं भी खा लूंगा। गाइज एक बार ये शॉप देखो आप, और यहाँ पर ये सब टॉयज, मतलब एक तरीके से पेट का शॉप है,
और इस पे देखो कितनी अच्छी जैकेट्स मिल रही हैं, उनके पीछे ये पाउच हैं जैसे कि वो डिलीवरी करते हो ये देखो जैसे इसने पहना हुआ है ना ऐसे हो जाएंगे। और बहुत सारी वो देखो पुलिस वाला जैकेट हम पहना सकते हैं। और ये ना ग्लो भी करता है, ये जो है ये रात में इस पे लाइट पड़ेगी तो ग्लो भी करेगा। तो काफी हटके सामान दिखा अपने को यहाँ। तो हम आजकल शीरो के लिए भी देख रहे हैं लेकिन मुझे साइज पता नहीं है। शीरो के ये वाला आ जाएगा यार, वो बहुत बड़ा हो चुका है, कोक वाली जैकेट पहनेगा। ऑस्कर को पहनेंगे ये पुलिस, आ जाएगा है ना। हमारे ऑस्कर बाबू के लिए ले लिया हमने और ये रात में रिफ्लेक्ट भी करेगा तो बाबू पूरा घूमेगा हमारा शान में। तो गाइस हम लोग आ गए भाई वहाँ, मेरे ख्याल से इंसानों का मीट छोड़ के बाकी सब था। ये हो सकता है इंसानों का मिल रहा हो कहीं हम गए ना हो। और हम लोग नीतू से पीछे थे है ना, हम लोग आ चुके अपने होटल में, वो लोग अभी 10 मिनट लगेगा भाई। हमारे साथ क्या होता है ये। तो गाइस हम लोग वापस रूम में आ गए, रोहित भाऊ भी हमारे इधर। रोहित भाऊ आज आपने व्लॉग नहीं करा, लोग मिस कर रहे होंगे आपको। अच्छा हाँ, आज टाइम नहीं मिला मेरे भाऊ को, बट आज बहुत कुछ देखा। आज रोहित भाऊ ने वैष्णवी के लिए भी शॉपिंग की है। क्या बात है। तो भाई अपना पैकिंग कर लेते बिकॉज सुबह यहाँ से चेकआउट है, हम लोग निकलेंगे फुकेट के लिए। और असली फन तो फुकेट में ही आएगा भाई, क्योंकि वहाँ वाटर एक्टिविटीज होंगी, वहाँ समंदर वाली एक्टिविटीज होंगी, बहुत कुछ होगा। ठीक है अब पैकिंग पे लगते हैं हम लोग। नीतू सो गाइस कल मिलेंगे आपसे, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। मुझे पता है आप लोग लाइक करना भूल गए हो बट आज मैं बोलूंगा नहीं, मैं गुस्सा हूँ आपसे। मैंने कहा तो कर देना, आपको लगता हो कि मैंने मेहनत की है, वीडियो अच्छा लगा आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और कुछ नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।